एनएसयूआई प्रत्याशी दीपक मंडेला का नामांकन निरस्त होने के बाद उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है। छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी ने कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी पर छात्रों को भड़काने और क्षेत्र में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। छात्र संघ चुनाव से पहले उत्तराखंड में शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएसयूआई प्रत्याशी दीपक मंडेला का नामांकन रद्द होने के बाद खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने शासन को नामांकन रद्द करने का जिम्मेदार ठहराया था। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी उर्फ रामू भाई ने पलटवार करते हुए भुवन कापड़ी पर छात्रों को भड़काने और क्षेत्र में माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि भुवन कापड़ी ओछी राजनीति कर रहे हैं। भुवन कापड़ी को छात्र संघ चुनाव में ध्यान देने के बजाय खटीमा के विकास पर ध्यान देना चाहिए। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया था निरस्त करने का किसी एक छात्र नेता का नामांकन को, तो वो किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं किया गया था। वो लिंग दो समिति की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार ही यहाँ पे भी और उदयपुर में हुआ। पिछले वर्ष ये अल्मोड़ा में भी इसी तरीके के मुकदमे की वजह से उस छात्र नेताओं के नामांकन अगर खारिज हुए हैं तो उसमें सरकार को बदनाम करना, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटना, ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक हैं उनकी ओछी राजनीति का प्रतीक है और उनको खटीमा के विकास में ध्यान देना चाहिए, ना कि छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व होकर के खटीमा के माहौल को खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। हम चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।